नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में बात करूंगी बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है या अशुभ। तो जानिए कुछ अच्छे और बुरे संकेत के बारे में। बिल्ली का रास्ता काटना कब शुभ होता है और कब अशुभ? माना जाता है कि बिल्ली को पूर्वानुमान हो जाता है कि भविष्य में कुछ बुरा घटित होने वाला है। ऐसे में वह आपको किसी न किसी तरह के संकेत देती है। घर से बाहर निकलते ही अगर रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं या फिर किसी दूसरे के निकलने के बाद ही जाते हैं। बिल्ली के रास्ता काटते ही दिमाग में विभिन्न तरह की शंकाएँ आने लगती हैं। आमतौर पर बिल्ली को अशुभ मानते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली का रोना, बिल्ली का घर के आसपास मरना तक अशुभ मानते हैं। माना जाता है कि ये भविष्य में कुछ बुरा होने वाले संकेत देती हैं। आमतौर पर जब बिल्ली का रास्ता काटती है तो मानते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है या फिर बिल्ली रोती है तो मानते हैं किसी की मृत्यु होने वाली है। लेकिन क्या वास्तव में बिल्ली हमेशा अशुभ संकेत देती है? आइए जानते हैं कि बिल्ली का आना कब मानते हैं शुभ। आखिर बिल्ली का रास्ता काटना क्यों मानते? उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं बिल्ली का रास्ता काटना क्यों मानते हैं अशुभ। शास्त्रों के अनुसार बिल्ली को राहु का वाहन माना जाता है। राहु को मायावी और छाया ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर किसी की कुंडली में राहु दोष है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक से लेकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसी कारण राहु की सवारी होने के कारण बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं, क्योंकि यह किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। बिल्ली का रास्ता काटना कब होता है अशुभ? शास्त्रों के अनुसार जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कहीं बिल्ली बाएं से दाएं की ओर जाते हुए रास्ता काट दे तो यह अशुभ माना जाता है। अगर बिल्ली दक्षिण दिशा की ओर रो रही है तो यह भी अशुभ माना जाता है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं कि कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। आपस में लड़ती है तो यह भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भविष्य में धन हानि हो सकती है या फिर किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। कब बिल्ली हो सकती है शुभ? शास्त्रों के अनुसार दिशा का फेर होने पर बिल्ली शुभ साबित हो सकती है। अगर बिल्ली दाई से बाई की ओर जा रही है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर बिल्ली दिवाली की रात में घर में आए तो माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर घर में बिल्ली आकर चुपचाप दूध पी जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली के मुँह में मांस का टुकड़ा दबाए हुए दिख जाए तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बिल्ली के रास्ता काटने पर या फिर उसके सामने आने पर कुछ ये रहे शुभ और अशुभ संकेत। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।